हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और प्रोडक्ट रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी हेल्दी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर पे होने वाले घमौड़ियों से बचने का तरीका। आज मैं एक ऐसा होम रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से करके घमौड़ियों से राहत पा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में जब हमारे शरीर पर पसीना सूख जाता है और हम उसकी अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत देर तक पसीना सूखा हुआ रह जाता है, उसके वजह से ही हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के त्वचा पे काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, उसी को हम लोग घमौड़ियाँ कहते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, जलन होता है, कभी कभी चुभन भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। बच्चे इसे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कभी कभी इन घमौड़ियों के वजह से। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, पाउडर है, प्रिकली हीट पाउडर है, कुछ स्प्रे भी हैं जिनका यूज़ करके आप इन घमौड़ियों से राहत पा सकते हैं, बच सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जिनको आप करके इन घमौड़ियों से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। अब चलिए मैं आपको उस उपाय के बारे में बता देता हूँ, उस घरेलू नुस्खे के बारे में बता देता हूँ जिसको आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और उसका यूज़ करके आप अपने घमौड़ियों से राहत पा सकते हैं। इसके लिए हमें एक पेस्ट तैयार करना है, मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट तैयार करना है, और ये मुल्तानी मिट्टी आपको किसी भी जनरल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब इसको आपको महीन पीस लेना है। इसमें आपको इसके साथ आपको हल्दी, एलोवेरा जेल और गुलाब जल और बेकिंग सोडा का यूज़ करके एक पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट को अपने घमौड़ियों पे यूज़ करना है 20 मिनट के लिए। उसका इसके लेप को वहाँ पे लगा करके छोड़ देना है, उसके बाद सादे पानी से उसको धो लेना है। तो चलिए मैं आपको इस पेस्ट को बना करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल हम मिक्स करेंगे, इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें आप गुलाब जल ले करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको 2 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर मिक्स करना है। इसके साथ साथ एलोवेरा जेल का यूज़ करना है इसको पेस्ट को बनाने के लिए। एलोवेरा जेल 1 चम्मच के बराबर आप यूज़ कर लीजिए। इसमें मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपको बना करके यूज़ करना है और थोड़ी मात्रा में करीब 1/4 चम्मच के बराबर आपको इसमें बेकिंग सोडा यूज़ करना है। बेकिंग सोडा आपको ये भी आसानी से पंसारी की दुकान पे या जनरल स्टोर पे आसानी से ये मिल जाएगा। अगर बेकिंग सोडा नहीं मिल पाता है तो आप नमक का यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पे। अब इस प्रकार से आपको आपको इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। थोड़ा सा और इसमें गुलाब जल मिला करके इसकी, ज़्यादा ये गीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे और इस पेस्ट को जहाँ जहाँ भी आपके घमौड़ियाँ हैं वहाँ वहाँ पे उसका एक लेयर लगा लेना है। उसके बाद सादे पानी से उसको धो लेना है और उसके बाद आप वहाँ पे चाहें तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। इस प्रकार अगर रोज़ाना आप सुबह शाम समय मिले तो 3 बार भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो घमौड़ियाँ हैं उसको यूज़ करते ही आपको उसमें राहत मिलने लग जाएगी। त्वचा जो है उसमें ठंडापन आ जाएगा, जो जलन और चुभन जो हो रही होगी वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही ईजी है और इसका कोई भी आपके स्किन पे साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसको अगर आप चाहें अगर चेहरे पे भी लगाना तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। किसी किसी को चेहरे पे भी बहुत सारी घमौड़ियाँ आ जाती हैं जो ज़्यादा गर्मी वाले स्थानों पे रहते हैं या ज़्यादा गर्मी वाले स्थानों पे काम करते हैं, तो गर्दन, पीठ और कमर के अलावे चेहरे पर भी अगर आपको घमौड़ियाँ आ गई हैं तो इसका यूज़ आप चेहरे पर भी कर सकते हैं और ये आपको चेहरे पर जो घमौड़ियाँ हैं उसमें तो राहत देगा ही, चेहरे को क्लीन करने में भी मदद करेगा, इससे आपको फेयरनेस भी आएगी। तो इस तरीके से इस उपाय को आप आसानी से घर पे ही यूज़ करके घमौड़ियों से आप राहत पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।